हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएं। एक्चुअली टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पॉलीमर। द पॉलीमर, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट्स विद द वर्ड पॉलीमर। द पॉलीमर वर्ड इज़ द ग्रीक वर्ड्स, दैट मीन्स पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स पार्ट। ओके, means many part, polymer means many parts, okay? So now we will study macromolecules, कि macromolecules क्या होते हैं। Actually जो macromolecules होते हैं are the very large molecules having molecular mass 10 to the power 3 to लेकर 10 to the power 7 u, that is referred to as macromolecules, means ऐसे large molecules जिनका मॉलिकुलर मास 10 टू द पावर 3 से लेकर 10 टू पावर 7 के बीच में आते हों, उन्हें हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन होता क्या है? तो पॉलीमराइजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स, मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर का फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स, मीन्स मोनोमर्स से पॉलीमर का फॉर्मेशन जब होता हो तो उसे हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ओके, सो एक्चुअली द को पॉलीमराइजेशन जो होता है हैज़ बीन यूज्ड बाय नेचर इन पॉलीपेप्टाइड विच में कंटेन 20 अमीनो एसिड्स। जो को पॉलीमराइजेशन होता है एक्चुअली दैट इज़ यूज्ड बाय नेचर इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड विच में कंटेन 20 अमीनो एसिड्स। और बेसिकली अभी इससे जो साइंटिस्ट हैं बहुत ही दूर हैं को पॉलीमराइजेशन का यूज करने से। ओके, so now we will study about the copolymerization, means the classification of polymers. Okay, sorry, actually there are disturbances in my backside, so let's start the classification of polymers. Actually the classification are the based on the source or origin. The first classification is the based on the source or origin, source ya fir origin के बेस पर इसे क्लासिफाई किया गया है। तो जो फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर्स, मतलब नेचुरल पॉलीमर्स, पॉलीमर्स डेट फाउंड इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे पॉलीमर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हों उन्हें हम नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, सॉरी स्टार्च, रेजिन्स एंड रबर्स। ओके, अब जो होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, मीन्स ऐसे सेलुलोज डेरिवेटिव्स लाइक सेलुलोज एसीटेट, रैन, सेलुलोज नाइट्रेट, तो ये जितने भी हैं वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। अगला जो है अपना जो आखिरी है सिंथेटिक पॉलीमर्स, मीन्स सिंथेटिक, सिंथेटिक वर्ड मीन्स दैट इज मैन मेड, दैट इज मैन मेड पॉलीमर, जो मनुष्य ने स्वयं बनाया है, मैन मेड पॉलीमर्स। ओके, जैसे प्लास्टिक में पॉलीथीन हो गया जो हम लोग अपने यूज़ करते हैं दिनचर्या में, दूसरा सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन 6, उसके बाद सिंथेटिक रबर दैट इज बुना एस अदर एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड पॉलीमर। तो जो क्लासिफिकेशन था पॉलीमर का, तो फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स या फिर ओरिजिन के अनुसार, तो इसको तीन हो गया, नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किस बेसिस पे किया गया है उसे। तो ये जो दूसरा है दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है उसके आधार पर इसको बांटा गया है पॉलीमर को। तो इसमें भी तीन है, लीनियर पॉलीमर हो गया, ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर्स एंड दैट इज क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। ओके, तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलीमर पढ़ते हैं। तो जो लीनियर पॉलीमर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, जो लीनियर पॉलीमर होता है कंसिस्ट करता है क्या, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, जैसे इसमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन आते हैं जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पीवीसी होता है, पॉलीस्टाइरीन एंड नायलॉन्स। जो दूसरा है ब्रांच चेन पॉलीमर्स, तो ऐसे पॉलीमर जो कॉन्टेंट करता है लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस, ये जो लीनियर चेन ये कॉन्टेंट करता है, जैसे ये लीनियर है दिखा देता हूँ मैं, ये जो लीनियर है उसमें कुछ ब्रांचेस भी होते हैं, मीन्स सब ब्रांचेस, तो ऐसे लोग को हम ब्रांच चेन पॉलीमर्स बोल रहे हैं। इसमें लो डेंसिटी पॉलीथीन पाए जाते हैं जैसे एमाइलोपैक्टिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया। ओके, समझ में आया ना। अब जो तीसरा है हम लोग का क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स, अब ये जो क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स होता है दैट इज यूजली फॉर्म फ्रॉम द बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स और कॉन्टेंट करता है अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द वेरियस
लीनियर पॉलीमर चेन्स। ओके, अब इसका जो एग्जांपल है वो है बेकेलाइट एंड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसको हम मेलमैक बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहला हमने देखा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन या फिर ओरिजिन के अनुसार, ठीक है, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन था डाटा बस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। अब जो तीसरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के अनुसार इसको क्लासिफाई किया गया है, वैसे हम पढ़ेंगे। तो एक बार हम और सर्च कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो सबसे पहला जो एडिशन पॉलीमर्स दैट इज फॉर्म बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स प्रोसेसिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अब ये एडिशन करके बनाया गया है पॉलीमर्स का मॉलिक्यूल जो प्रोसेस करते हैं डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड को, जैसे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम मीथीन, और दूसरा है पॉलीप्रोपीन फ्रॉम प्रोपीन, मीन्स पॉलीप्रोपीन का फॉर्मेशन प्रोपीन से, पीवीसी एंड पॉलीथीन, ये सब एडिशन पॉलीमर्स में आते हैं। ओके, अब इसका क्लासिफिकेशन में हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो पार्ट है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अभी कंडेंसेशन पॉलीमर्स होता क्या है, ये भी फॉर्म होता है बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स, ठीक है, बाय एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर अल्कोहल एचसीएल एंड एमोनिया। अब इसका जो एग्जांपल है फ्रेंड्स वो बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है और ये बहुत ही प्रचलित एग्जांपल है, जैसे नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डायमीन विद द एडीपी एसिड, मींस नायलॉन 6 का जो फॉर्मेशन होता है इज बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डायमीन विद एडीपी एसिड, और दूसरा जो एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमर का वो है डेक्रोन्स। तो हम लोगों ने 3 क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब हम चौथे क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड अपॉन द मॉलिकुलर फोर्सेस, किस टाइप के मॉलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं या फिर लगते हैं उसके अनुसार ये क्लासिफिकेशन बनाया गया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है इलास्टोमर्स, और इसमें 3 पढ़ेंगे, इलास्टोमर्स पढ़ेंगे, फाइबर्स पढ़ेंगे एंड थर्मोप्लास्टिक पढ़ेंगे, और फिर थर्मोसेटिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्लासिफिकेशन है चूँकि ये मॉलिकुलर फोर्सेस के आधार पर इसे बांटा गया है ना। तो सबसे पहले हम इलास्टोमर पढ़ते हैं। जो इलास्टोमर है वो वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड प्रोसेस करता है इलास्टिक क्रिएटर्स, मीन्स ये इलास्टिक क्रिएटर को भी ये प्रोसेस करता है, इसे हम इलास्टोमर्स बोलते हैं, जैसे बोनाएस बोनाएन एंड न्यूप्रिन। ये देखिए न्यूप्रिन का स्ट्रक्चर, 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके, बोनाएस बोनाएन एंड न्यूप्रिन। अब जो दूसरा है क्लासिफिकेशन में इसमें ये है फाइबर्स, अभी फाइबर्स के बारे में देखते हैं हम, ठीक है। तो जो फाइबर्स है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं इसमें लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इन फाइबर्स का यूज होता है फॉर मेकिंग फाइबर्स, यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। जो फाइबर्स होते हैं द थ्रीड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं विच प्रोसेस करता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉडुलस। ओके, अब इसमें जैसे हो गया एग्जाम्पल्स में अगर हम देखते हैं तो पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड्स में आ गया अपना फिर से नायलॉन 6, उसके बाद गया अपना पॉलीएक्रिलोनेटाइन जिसमें ऑर्लन हो गया, फिर से हो गया पॉलिस्टर्स, पॉलिस्टर्स में अपना आ गया टेरिलीन। ये देखिए 3 एग्जांपल्स हैं इसके, नायलॉन 6 का इंटरव्यू डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिए एक बार। आगे पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर होता है लीनियर होता है या फिर स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चैन मॉलिक्यूल्स होता है, दैट इज केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग इन कूलिंग। ये सबसे फेवरेट है एक्चुअली फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग पीवीसी पाइप देखे हैं जो हम लोग अपने सीलिंग्स में लगाते हैं वायरिंग के लिए, तो उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और जब हम इसको हीट मतलब सॉफ्टन करते हैं मीन्स हार्डनिंग करते हैं ऑन कूलिंग, ठीक है, जब उसको हम हार्डन करते हैं तो वो कूल हो जाता है। जैसे व्हेन रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग, हीटिंग के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। जब हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है और जब कूल करते हैं तो फिर से हार्ड हो जाता है। अब इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है डैट एग्जिस्ट इंटरमीडिएट बिटवीन द इलास्टोमर एंड फाइबर्स, इलास्टोमर और फाइबर्स के बीच में इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करता है। अब इसके जो एग्जाम्पल है दैट इज पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीविनाइल्स, पॉलीविनाइल्स में पीवीसी। ओके, अब इसका हम अगला देखते हैं वो है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को हम पढ़ेंगे,
थ्री एक ऐसा पॉलीमर्स है जो क्रॉस लिंक और हैवली ब्रांच मॉलिक्यूल्स होता है ऑन हिटिंग अंडरगो द एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मॉल्ट्स एंड अगेन बिकम इनफॉजिबल्स. ओके, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड. इसको हम फिर से पुनः यूज नहीं कर सकते हैं एक बार यूज करने के बाद. अब इसके एग्जाम्पल है बेकलाइट, यूरिया फॉर्मलडिहाइड रेजिंस. तो ये इसके एग्जाम्पल हैं. तो ये था अपना क्लासिफिकेशन. अब इसमें कुछ हम नोट पैड पढ़ते हैं. नोट पैड में अपना आ गया टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स में डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मोनोमर्स. मोनोमर के नेचर के अनुसार ये जो पॉलीमर्स हैं, जैसे होमो पॉलीमर हो गया, को पॉलीमर हो गया. तो जो होमो पॉलीमर है वो ऐसा पॉलीमर है जो मेड हुआ है ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स. ठीक है, ये एक ऐसा पॉलीमर है दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स, सो कॉल्ड, ठीक है, होमो पॉलीमर्स. इसके जो एग्जाम्पल है वो हो गया पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पीवीसी. और जो दूसरा है वो है कोपॉलीमर्स. तो ये पॉलीमर ऐसा है दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर्स. ये एक ऐसा पॉलीमर है, मींस ऐसे पॉलीमर्स जो केवल एक टाइप के मोनोमर से बने हों वो होमो पॉलीमर्स, और ऐसे पॉलीमर्स जो दो या दो से अधिक टाइप्स ऑफ मोनोमर्स से बने हों उसे हम कोपॉलीमर बोलते हैं, जैसे नायलॉन 66, बोनास एंड बेकेलाइट. सो थैंक यू फ्रेंड, ये था अपना क्लासिफिकेशन पॉलीमर के बारे में. आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. सो आज का वीडियो हुआ यहीं पर समाप्त. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.